हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं अपने जैकपुर परिवार के बारे में, क्योंकि आज इस परिवार ने 4000 स्टूडेंटों का एक परिवार बना लिया है। ठीक है, यानी आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के प्रयास से आज जैकपुर परिवार ने 4000 छात्रों का परिवार कम्प्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि ये परिवार अब 4000 का परिवार हो चुका है। ये मेरे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ये सब हो पाया है आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की हेल्प से। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोग हमारे वीडियोस को देखें, लाइक किए, शेयर किए, चैनल को सब्सक्राइब किए, इन सब के लिए आप सबको अपने तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने बहुत मेहनत की है हमारे साथ साथ, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो मैं आपको दोबारा फिर से दिल से आप सभी को थैंक यू कहता हूं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ठंड में भी अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई करेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करने के लिए मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहूँगा कि आप लोग सुबह ज़्यादा सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग नॉर्मली जिस वक्त ठंड का समय चल रहा है तो आप 6 बजे से पहले मत उठिए। ठीक है, 6 बजे उठिए। अभी तो स्कूल आपका काफ़ी कम बच्चों का स्कूल ही चल रहा है और अल्टरनेट चल रहा है, तो आप लोग जो है 6 बजे आराम से उठ पाते हैं, 1-2 घंटा सुबह में पढ़ाई कर लीजिए, फिर जब स्कूल से आएंगे तो आप दोपहर में भी पढ़ सकते हैं, शाम के वक्त पढ़ सकते हैं। आपके पास सबसे ज़्यादा समय आपके पास बच्चों पढ़ने के लिए शाम का समय है। ठीक है, तो शाम का समय जो है आपका 6 बजे से लेकर के रात 9-10 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अपने आप का, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम अपने अगले जल्द ही वीडियो में। थैंक यू।